आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13 कमांडर मम्मी। तो क्या है इसमें, कमांडर मम्मी के बारे में बताया गया है। ये छोटा सा नाटक है जिसमें क्या है, मम्मी अपने बच्चे पर कमांड करती है। तो आइए इस नाटक को पढ़ते हैं। पात्र नीरज, एक लड़का, श्रीपत नीरज का मामा, अंजलि नीरज की मम्मी। ठीक है, तो इसमें तीन पात्र हैं। नीरज एक लड़का है, श्रीपत यानी नीरज के मामा जी हैं, और अंजलि यानी नीरज की मम्मी है। शिपट टांगे मेज पर रखकर बहुत आराम से बैठा है। नीरज कहता है, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखते। शिपट, किसने कहा तुमसे? नीरज कहता है, मम्मी कहा करती है मामा जी। तो अब नीरज क्या कहता है कि मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखते। उन्होंने कहा कि किसने कहा तुमसे? जिसने कहा कि मम्मी कहती है ऐसा। तो शिपट कहता है, ऐसी बातें तुम्हारे लिए होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तब तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। हंसता है, कहो किस कक्षा में पढ़ रहे हो? तो शिपक कहता है उससे कि ऐसी बातें तुमसे किसने कही? तो वो कहता है कि ठीक है, अभी तुम बच्चे हो इसीलिए अभी तुम्हें ऐसा मना किया गया है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, मामा बन जाओगे, तो तुम्हें भी ऐसे बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। और हंसने लगता है और फिर पूछता है कि अब तुम बताओ तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? नीरज कहता है, पांचवे में मामा जी। शिपक, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपद, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किससे सुझाई? वो बताता है कि मुझे डिप्टी कमिश्नर बनना है। अब मामा जी से पूछे हैं कि डिप्टी कमिश्नर बनने की बात आप तुम्हारे दिमाग में किसने सुझाई? नीरज कहता है, मम्मी ने। श्रीपद, तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज थोड़ा सोचकर, मैं मामा जी। श्रीपद हर बात के साथ, ये मामा जी मामा जी। किसने सिखाया है? नीरज, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से बात करनी चाहिए। क्या था? अब वो हर बात में मामा जी कर रहा था। उसके मामा जी पूछते हैं कि हर बात में मामा जी क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मुझे मम्मी ने सिखाया है कि हम अपने बड़ों से हमेशा आदर से बात करनी चाहिए। शिपक कहते हैं, तब तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रूप से बात किया करो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तब तो तुम, उसके मामा कहते हैं कि अगर इतने अदब से, इतने आदर से रहोगे फिर तो तुम बन गए डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो क्या है, कोई तुम्हें पटवारी बना देगी सरकार। थोड़ा कर कर चला करो, रूप में चला करो। ठीक है, फिर नीरज कहता है, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी पर। अब वो बताता है कि मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। श्रीपद, कप्तान? नीरज कहता है, क्रिकेट टीम का कप्तान। पर मम्मी कहती है ये बहुत बेकार खेल है, इसमें चोट लग जाती है। अब नीरज कहता है, मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी कहती है कि ये बेकार खेल है, इसमें चोट लग सकती है। शिपत कहते हैं, ऐसे तो बन चुके तुम क्रिकेट टीम के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो? नीरज, 2 घंटे। शिपत कहते हैं, पास होने के लिए नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। वैसे तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हो? तो उसके मामा जी इसको बताते हैं कि यदि तुम सिर्फ पास होना चाहते हो तो उसके लिए 2 घंटे पढ़ना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हो तो उसके लिए 2 घंटे बहुत कम है। नीरज, क्रिकेट टीम का कप्तान बनना? शिपत, तो रोज 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो। तुम्हारे मामा भी चाहते हैं कि तुम क्रिकेट टीम के कप्तान बनो और भारत में ही नहीं पूरे संसार में नाम कमाओ। नीरज खुश होकर मामा जी कहकर शिपत से निपट जाता है। अंजलि आती है दूसरे कमरे से आवाज लगाते हुए, नीरज नीरज। जी मम्मी, अंजलि कहती है कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में चलो, पढ़ने का समय हो गया है, अभी अध्यापक भी आने वाले होंगे, कल का काम कर लिया। तो उसकी मम्मी उसे आवाज लगाते हुए कहती है कि तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है, यहाँ से चलो, और अभी तुम्हारे अध्यापक भी आने वाले हैं। तुमने अपना कल का काम यानी अपना होमवर्क कर लिया कि नहीं? नीरज, मम्मी मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या क्या? चलो नीरू बेटा। फिर नीरज कहता है, मम्मी अब से मैं 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। तो अभी वो अपनी मम्मी से क्या कहता है कि मैं अब दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा और 6 घंटे खेलूंगा। फिर अंजलि क्रोध होकर क्या कहते हो? चलो बेटा, तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं। तो वो गुस्से से कहती है कि ये तुमने क्या कहा, चलो यहाँ से, तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं। नीरज, मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध रोक कर नरमी से, पागल, सिर पैर चढ़वाएगा क्रिकेट टीम का कप्तान बनकर? तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है।
नीरज क्या कहते हैं अपनी मम्मी से कि मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मम्मी क्या कहती है, अंजलि क्या कहती है कि पागल सिर पे तुड़वाएगा क्रिकेट टीम का कप्तान बन के, तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट टीम का कप्तान ही बनूंगा। फिर अंजलि कहती है क्रोध को रोकने में असफल होकर चंचल बन गया क्रिकेट टीम का कप्तान, अब चलकर पढ़, अध्यापक जी के आने का समय हो गया है। उसे कान पकड़कर खींचते हुए ले जाती है, तो क्या है वो गुस्से में आकर बोलती है उसकी मम्मी कि ठीक है चल चल बन गया तो क्रिकेट टीम का कप्तान, अब यहाँ से चल तेरे अध्यापक के आने का समय हो गया है, और उसको कान पकड़ते हुए वहां से ले जाती है। श्रीपद, अरे दीदी तुम तो नीरज का कान ही उखाड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपद, तुम चाहते हो कि यह भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए। फुफकारते हुए, काम के नताज के दुश्मन अनाज के, तो क्या है अब उसकी मम्मी गुस्से में उसके मामा जी को भी बोलती है कि तुम तो चुप रहो, तुम क्या अपनी तरह ही बनाना चाहते हो इसे कि ये तुम्हारी तरह आवारा बन जाए, तुम ना तो काम के नताज के और दुश्मन अनाज के, यानी तुम कोई भी काम नहीं करते हो केवल खाना खाते हो, मैं तुम्हारी तरह इसको नहीं बनाऊंगी। शिपत कहते हैं अरे दीदी तुम तो गृहस्थी में अपनी जान बेकार ही कर पा रही हो, तुम तो सेना में जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। तो उसके मामा जी नीरज से मामा जी कहते हैं कि दीदी तुम तो बेकार ही गृहस्थी में अपनी जान बेकार कर रहे खपा रही हो, तुम्हें तो किसी सेना में जूनियर या फिर सीनियर कमांडर होना चाहिए था। तो अभी उसके मामा जी ने कहा कि नीरज की मम्मी को कि तुम्हें किसी सेना में कमांडर, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया कमांडर मम्मी, क्योंकि वो क्या करती थी वो अपने नियमों के एकदम वो थी, अपने नियमों से चलती थी, अपने बच्चे को क्या था एकदम उसमें रखती थी कि वो पढ़े लिखे और डिप्टी कमिश्नर बने, इसीलिए वो उसके साथ थोड़ा क्रोध से पेश आ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर उसके मामा जी ने उसको कमांडर मम्मी का नाम दिया। तो ये छोटा सा नाटक था बच्चों, जिसमें क्या था उसकी मम्मी उसको पढ़ा लिखा कर डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती थी, लेकिन वो बच्चा क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता था। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है, हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।